आज हम लोग टाइट्रेशंस में आगे प्रोसीड करेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बैक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है हम लोग किस तरीके से करते हैं और उसका किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन और उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल टाइट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये जो टाइट्रेशन है ये भी एक तरीके का रेडॉक्स टाइट्रेशन ही है। आयोडोमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक ये जो टाइट्रेशन है दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं या फिर जो आयोडीन लिबरेट होगा वो हम लोग यूज करेंगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वैसा रिडॉक्स टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन का यूज किया जाता है जन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस तरीके के टाइट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आयोडोमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूं। क्या होता है कि जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है मतलब कंसंट्रेशन जो है वो अगर हमें पता करना होता है तो हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है, उस रिड्यूसिंग एजेंट का अगर हमें कंसंट्रेशन पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे सबसे फेमस जो ज्यादातर यूज होता है जो क्वेश्चंस जिससे आता है दैट इज सोडियम थायोसल्फेट, है ना, जिसको हम लोग हाइपो भी बोलते हैं। तो जो थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट का अगर हमें कंसंट्रेशन पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उस आयोडीन सॉल्यूशन से डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, थायोसल्फेट का रिडॉक्स रिएक्शन करा करके टाइट्रेशन करा करके हम लोग उसका स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं। तो वैसा रिडॉक्स टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन डायरेक्ट यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि एक ऐसा रिडॉक्स टाइट्रेशन है जिसमें आयोडीन को हम लोग क्या यूज करते हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो हमारे पास जो अननोन स्ट्रेंथ वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे थायोसल्फेट है उसका हम लोग कंसेंट्रेशन पता कर सके। तो हम लोग लिख सकते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में कि इन दिस टाइट्रेशन आयोडीन सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विथ reducing agent like hypo or sodium thiosulfate Na2H2O3। ठीक है ना, ये हमारा जनरली यही यूज करते हैं Na2H2O3, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। इन दिस टाइट्रेशन आयोडीन सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विथ रिड्यूसिंग एजेंट In order to find the strength of reducing agent। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें जो हम लोग डायरेक्ट आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और ये जो हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन होता है इसका हमें स्ट्रेंथ जो है वो हमें पता होता है, इसका हमें स्ट्रेंथ पता होता है मतलब इसका नॉन कंसेंट्रेशन का, ये हमारे पास नॉन कंसेंट्रेशन। ये जो आयोडीन सॉल्यूशन जो हम लोग बनाएंगे स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन होता है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नहीं मतलब कि इसका कंसेंट्रेशन हमें पता होता है। तो हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन पता है और हम लोग किसके साथ, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम लोग उसको टाइट्रेट कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता है, इसका कंसेंट्रेशन हमें पता है, वॉल्यूम तो हम लोग मेजर कर ही सकते हैं, तो यहां से क्या कर लेंगे, इसका हमें कंसेंट्रेशन पता चल जाएगा मतलब इसका नॉर्मलिटी हमें पता चल जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो यही हम लोग यूज करते हैं यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट रेसर। यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट आयोडीन सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करके रखा था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको हमने टाइट्रेट करा लिया, तो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। वही आयोडोमेट्रिक क्या होगा कि आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, आयोडोमेट्रिक में ये वाला जो टाइट्रेशन है इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट जो है आयोडीन सॉल्यूशन यूज नहीं करेंगे, हम लोग कोई दूसरा सॉल्यूशन लेंगे, उसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन लिबरेट होगा, और उस लिबरेटेड आयोडीन का टाइट्रेशन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, तो उस तरीके के टाइट्रेशन को हम लोग आयोडोमेट्रिक, इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे, पहले हम लोग ये वाला पार्ट कर ले, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये बहुत ही आसान है, क्या कि इसमें हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का अगर हमें स्ट्रेंथ पता करना है तो हम लोग कौन सा टाइट्रेशन कराते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आप देखो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अगर हाइपो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट, अगर ये रिएक्शन करता है Na2H2O3 के साथ, Na2H2O3 आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास रिएक्शन जो होगा दैट इज NaI बनेगा, 2 मोल NaI प्लस Na2S4O6, ये हमारे पास रिएक्शन होता है ना। तो हमारे पास रिएक्शन है Na2S2O3 प्लस I2 गिव्स NaI प्लस Na2S4O6, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर N फैक्टर निकालना है, इसका N फैक्टर निकालना है तो इसका N फैक्टर कितना आएगा बताओ, इसका N फैक्टर कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -6 और +2, तो कितना हो गया -6 +2 +4, मतलब +2 है ये। ठीक है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -12 10 10 बाय 4 दैट इज +2.5 है ना, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना, और कितना है एक मॉलिक्यूल में, 2 है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका n फैक्टर जो है सोडियम थायोसल्फेट का वो कितना है, जब इस तरीके का रिएक्शन होगा तो कितना होगा, 1 होगा। अब ये रिएक्शन अगर चेंज होगा, यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा तो n फैक्टर कुछ और भी हो सकता है ना, तो जनरली ये रिएक्शन होगा आयोडीन के साथ, अगर रिएक्शन होगा तो ये वाला जो है आपका कंपाउंड बनेगा। और देखो ये हमारे पास इसमें करना क्या है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका वॉल्यूम और इसका कंसेंट्रेशन हमें पता है, इसका वॉल्यूम पता है तो इसका कंसेंट्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये जो टाइट्रेशन है इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ध्यान से दोनों में डिफरेंस क्या है, आयोडोमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक में डिफरेंस क्या है कि आयोडोमेट्रिक में हम लोग आयोडीन सोल्यूशन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और इसका कंसेंट्रेशन हमें पता है, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन हमने स्टैंडर्ड प्रिपेयर करके रखा हुआ था वही वाला सॉल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसमें हम लोग क्या पता कर रहे हैं, इसमें कैलकुलेट फाइनली क्या कर रहे हैं, इसमें फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेंट्रेशन, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडोमेट्रिक में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट करते हैं और आयोडोमेट्रिक में स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें कंसेंट्रेशन पता करना है या स्ट्रेंथ पता करना है या नॉर्मलिटी पता करना है तो हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कराते हैं, और जब रिड्यूसिंग एजेंट का हमें कंसेंट्रेशन पता करना है तो हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कराते हैं। सुनना के बाद दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस फिर से सुनो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता करना है तो हम लोग क्या कराते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता करना है तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। दूसरा डिफरेंस, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में डायरेक्ट I2 सॉल्यूशन यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, जबकि आयोडोमेट्रिक में डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, वो क्या होता है किसी आयोडीन का कोई कंपाउंड होता है उसमें से आयोडीन लिबरेट होता है और फिर उसको हम लोग टाइट्रेट कराते हैं। ठीक है, तो देखो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन कराते थे ना बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लेना है, रिड्यूसिंग एजेंट ये लेना है, जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन ही होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन ही होगा, तो इस तरीके के टाइट्रेशन को आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का ही एक पार्ट है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस वजह से, देखो
क्वेश्चन लिखेंगे 20 ml, 20 ml 0.2 N आयोडीन सॉल्यूशन रिक्वायर्स 10 ml सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन इन एसिडिक मीडियम फाइंड normality of Na2S2O3 solution. इस solution का हमें normality पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि iodine solution जो है हमारा ये oxidizing agent की तरह काम कर रहा है और ये जो है sodium thiosulfate ये reducing agent की तरह काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, equivalence point पे क्या होता है, दोनों का equivalent equal होता है। तो हमें solution में देखो क्या करना है कि दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल कर देना है। तो ml में दिया हुआ तो जनरली हम लोग मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि रिएक्शन जो कराते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट लेके कराते हैं, तो हम लोग जनरली मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर देते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं MEQ, है ना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, आयोडीन है, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन है, इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कितना हो गया 20 × 0.2, इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया, और इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 × इसका नॉर्मलिटी हमें नहीं पता है, तो 10 × N, ठीक है। तो यहां पे बताओ कितना हो जाएगा, ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल कर दो, 0.4 इक्वल्स टू, मतलब नॉर्मलिटी का कितना हो गया 0.4 हो गया। बस सिंपल, जैसे हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन कराए थे सेम वही टाइट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस एक आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के रेडॉक्स टाइट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है ना। ये तो बहुत सिंपल था, बिल्कुल जैसा रेडॉक्स रिएक्शन था वैसा ही था, बिल्कुल उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं था, बस आयोडीन सॉल्यूशन यूज कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे। नेक्स्ट है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पता करते हैं कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब कंसेंट्रेशन कितना, दैट इज नॉर्मलिटी कितना है, यूज्ड टू फाइंड अ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखो इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का, कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका हमें पता करना है, क्या पता करना है, कंसंट्रेशन पता करना है, स्ट्रेंथ पता करना है, तो हम लोग उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, किसी भी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, मतलब कोई भी आयोडीन का कंपाउंड है। तो यहां पे एक कंपाउंड ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लो KI है, जनरली KI के साथ रिएक्शन कराते हैं कंपाउंड ऑफ आयोडीन। तो कंपाउंड ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो, मतलब जनरली आयोडाइड फॉर्म में होता है ये कंपाउंड ऑफ आयोडीन, दैट इज आयोडाइड, है ना। तो आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज कर देता है।
तो यहाँ से हमारे पास आयोडीन लिबरेट होता है, आई टू इज लिबरेटेड, आयोडीन क्या होगा लिबरेट होगा। क्यों आयोडीन लिबरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड, जैसे एग्जाम्पल मान लो कि के आई है ना, तो के आई के साथ रिएक्शन कराए किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ हमें नहीं पता है, लेकिन इस के आई का तो स्ट्रेंथ पता है ना हमें, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन कराने इसका स्ट्रेंथ हमें पता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये के आई के साथ रिएक्शन करता है, और ये के आई से जब रिएक्शन करता है तो ये क्या रिलीज करता है, आई टू आयोडीन गैस रिलीज करता है, लिबरेट करता है। और ये जो लिबरेटेड आयोडीन है वापस इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, किसका साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे हाइपो जो थायोसल्फेट था, तो जनरली मैक्सिमम टाइम पे हम लोग ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेते हैं, थायोसल्फेट ही लेते हैं। तो इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ Na2S2O3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है Na I प्लस Na2S4O6 है ना। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आयोडीन लिबरेट होगा, और ये जो लिबरेटेड आयोडीन है अब इसका टाइट्रेशन कराते हैं किसके साथ, Na2S2O3 के साथ टाइट्रेशन कराएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना इक्वालेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा उतना ही इक्वालेंट आयोडीन जो है वो लिबरेट होगा, और जितना इक्वालेंट आयोडीन लिबरेट होगा उतना ही इक्वालेंट किसका चाहिए होगा, Na2S2O3 का चाहिए होगा। और तो देखो यहाँ पे हम लोग ये लिखने जा रहे हैं कि मिली इक्वालेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसका मिली इक्वालेंट, फिर मिली इक्वालेंट ऑफ ये KI, मिली इक्वालेंट ऑफ KI जो यहां पे रिएक्ट करेगा, जो यहां पे मिली इक्वालेंट इसका रिलीज होगा, मिली इक्वालेंट ऑफ I2 जो रिलीज होगा, और यहां पे जो मिली इक्वालेंट इसका लगेगा मिली इक्वालेंट ऑफ Na2H2O3, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जब क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। तो देखो एक बार फिर से समराइज कर दे, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एक तरीके का रिडॉक्स टाइट्रेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ को पता करते हैं। पता करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका हमें स्ट्रेंथ पता करना है, जिसका स्ट्रेंथ हमें पता करना है, उसको क्या कराते हैं, कोई आयोडीन के कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आयोडीन के कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयोडीन गैस लिबरेट होगा रिएक्शन में। तो जो आयोडीन गैस लिबरेट होगा उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद इस आयोडीन सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, और इस सॉल्यूशन को हम लोग इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें इसका कंसेंट्रेशन पता रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसका कंसेंट्रेशन पता रहेगा तो इसका इक्विवेलेंट पता है, इसका इक्विवेलेंट पता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना इक्विवेलेंट हुआ, और अगर ये पता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितना इक्विवेलेंट यूज हुआ होगा, समझ मारी बात। और इसका इक्विवेलेंट यही तो पता करना था हमें, इसका वॉल्यूम पता रहेगा तो नॉर्मेलिटी पता चल जाएगा, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट पता चल चुका है, क्लियर है। तो ये हमें यूज करना है कि मिली इक्विवेलेंट इसका, मिली इक्विवेलेंट KI, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, सब क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्लियर है। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है 100 ml of H2O2 solution reacts completely with KI. ठीक है, 100 ml solution है H2O2 का, वो completely KI के साथ react कर रहा है। तो KI के साथ रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या मिलेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, आयोडीन, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि ऐसे लिख रहा हूं कि H2O2 सॉल्यूशन रिएक्ट कंप्लीटली विद KI टू लिबरेट
लिबरेट आयोडीन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर, लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ वन एम, रिक्वायर्स 25 ml ऑफ 1 m Na2S2O3 in basic medium where it is oxidized to SO4 2 minus। आपको निकालना है फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं। देखो क्या है आपके पास, 100 ml सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? H2O2 का। तो 100 ml H2O2 का सॉल्यूशन है जो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? Ki के साथ रिएक्शन कर रहा है। और Ki के साथ रिएक्शन करने से क्या निकल रहा है? यहाँ पे आयोडीन लिबरेट हो रहा है, I2 लिबरेट हो रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि जो लिबरेटेड आयोडीन है, जो आयोडीन लिबरेट हो रहा है, उसको 25 ml चाहिए। किसका? Na2S2O3 का। ठीक है, आपको और बेसिक मीडियम में चाहिए जहां पे कहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, Na2S2O3 जो है SO4 2- में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है H2O2 का। अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, या तो हमें नॉर्मलिटी पता रहे या तो मोलारिटी पता रहे, तो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मलिटी या फिर मोलारिटी ऑफ H2O2, फिर हम लोग आराम से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे इसका। तो देखो मैं यहाँ पे इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, रिएक्शन क्या हो रहे थे। रिएक्शन हो रहा है कि हमारे पास H2O2 सॉल्यूशन था, H2O2 सॉल्यूशन Ki के साथ रिएक्शन किया, तो Ki के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास यहां से आयोडीन लिबरेट हुआ। ठीक है, आयोडीन लिबरेट हुआ। ये आयोडीन जो है Na2S2O3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पे ये SO4 2- में चेंज हो रहा है, SO4 2- में चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लस Na जो बन रहा है वो बने, तो ये बेसिक मीडियम हो रहा है ना, इन बेसिक मीडियम तो SO4 2- में चेंज हो रहा है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, बेसिक मीडियम हो रहा है और ऑक्सीडाइज किसमें हो रहा है, SO4 2- में। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे कि इसका इक्वेलेंट सबका इक्वेलेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि मिली इक्वेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्वेलेंट ऑफ Ki is equal to milli equivalent of I2 is equal to milli equivalent of Na2H2O3। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या क्या पता है इसमें, किसका किसका डाटा दिया हुआ है, क्या Ki के बारे में कुछ डाटा दिया है, किसका वॉल्यूम कितना है, इसका मोलरिटी नॉर्मलिटी कुछ दिया है? नहीं दिया है, तो ये हमें नहीं यूज करेंगे। क्या आयोडीन के बारे में दिया कि इसका कितना वॉल्यूम है, कितना नॉर्मलिटी है, कितना मोलारिटी है, कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, इसको भी नहीं यूज करेंगे। क्या हाइपो के बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है, Na2H2O3 के बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है ना, 1 m दिया हुआ है, 25 ml भी दिया हुआ है। क्या H2O2 के बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। तो ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, मतलब ये दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। अब देखो मिली इक्वेलेंट ऑफ H2O2 तो क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी इंटू ml, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो नॉर्मलिटी हमें इसका नहीं पता है, तो इसका नॉर्मलिटी हमें नहीं पता है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं पहले ये दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, है ना। तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि मिली इक्वेलेंट ऑफ H2O2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मिली इक्वेलेंट ऑफ Na2S2O3। ये आपस में होगा इक्वल, और यही इक्वेशन से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है।
ये दोनों क्या नहीं इसके समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों का डाटा हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो यहां पे मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या क्या भरा है कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, और दूसरा क्या भरा है, दूसरा भरा है क्या कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब देखो यहां पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नॉर्मलिटी मान लेते हैं H2O2 का n है, तो हम लोग क्या लिखेंगे n इनटू इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, तो ये किसका इक्विवेलेंट आ गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 हो गया, इसका मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2। अब देखो इसके लिए हमें n फैक्टर चाहिए होगा, क्योंकि इसका नॉर्मलिटी तो दिया नहीं है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे मोलारिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 25 ml, दिया हुआ था ना वॉल्यूम, दिया हुआ है 25 ml, मोलारिटी दिया हुआ है 1 इनटू n फैक्टर, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, Na2H2O3 का। अब यहां पे n फैक्टर पता नहीं है, n फैक्टर तो कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से Na2H2O3 से SO4 में चेंज हो रहा है, बताओ n फैक्टर कितना होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, +2 अभी तो निकाले थे, और यहां पे कितना है SO4 में कितना होता है 2 माइनस में, सल्फेट में कितना होता है +6 होता है, कितना का चेंज हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है ना, बताओ कितना सल्फर है 2, तो पर मॉलिक्यूल कितना चेंज हो जाएगा, 8 चेंज हो जाएगा, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ में आ रही बात, तो n फैक्टर जो है वो 8 है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, n फैक्टर यहां पे 8 है, ठीक है। तो देखो यहां से हम लोग इसको इक्वेट कर लेते हैं, नॉर्मलिटी इनटू 100 इक्वल्स टू 25 इनटू 1 इनटू 8, तो नॉर्मलिटी बराबर कितना हो जाएगा, 4 times 2 times, कितना हो गया 2, तो नॉर्मलिटी आ गया हमारे पास 2। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का फॉर्मूला क्या पढ़ा है नॉर्मलिटी के साथ, नॉर्मलिटी इनटू 5.6, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू 5.6, नॉर्मलिटी आ चुका है 2 इनटू 5.6 कर दो, कितना हो गया 11. तो यही हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आएगा 11.2। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि H2O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसको Ki के साथ रिएक्शन कराया, आयोडीन लिबरेट हुआ, और ये आयोडीन लिबरेट हुआ उसको Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो Na2O2O3 के साथ रिएक्शन करा दिया और वो SO4 2- में चेंज हो रहा था, तो हमने क्या किया सबका मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शंस लिख दे रहा हूँ, जैसे जनरली इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ना कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें स्ट्रेंथ निकालना होता है, कंसंट्रेशन निकालना होता है, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं उसको किसी आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब कंपाउंड के साथ, वहां से लिबरेटेड आयोडीन जो होता है उसको हम लोग टाइट्रेट करा देते हैं Na2S2O3 के साथ, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि हमारे पास K2Cr2O7 है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो मान लो इसका हमें कंसंट्रेशन पता करना है, तो क्या करेंगे इसको पहले एसिडिक मीडियम में जैसे H2SO4 ले लिए, तो इसके साथ क्या करते हैं रिएक्शन करा देते हैं Ki को, है ना, तो Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या लिबरेट होगा, आयोडीन लिबरेट होगा, ध्यान देना आयोडीन जो लिबरेट होगा उसको फिर टाइट्रेट कराते हैं किसके साथ, Na2S2O3 के साथ, तो रिएक्शन क्या होगा बताओ, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास K2SO4 प्लस Cr3 में चेंज हो जाएगा, तो Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस आयोडीन लिबरेट हो जाएगा और साथ में H2 निकलेगा, ठीक है। बैलेंस कर रहे हैं ना, बैलेंस नहीं है रिएक्शन क्या हो, तो बैलेंसिंग ऑलरेडी सीखा हुआ है तो बैलेंस कर लेंगे। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन मतलब आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराए, है ना, आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराए, तो आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराए तो हमारे पास ये I2 लिबरेट हुआ, ये I2 लिबरेट हुआ। अब ये लिबरेटेड I2 जो है इसको हम लोग टाइट्रेशन करा लेंगे, तो पता चल जाएगा कितना Na2S2O3 का इक्विवेलेंट यूज हो रहा है, उतना ही इक्विवेलेंट किसका रहा होगा, K2Cr2O7 का रहा होगा, तो हम लोग इसका क्या कर लेंगे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो यही तरीका है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है। अब जो है आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्लियर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको,
नेक्स्ट जो लास्ट टाइप का टाइट्रेशन है दैट इज डबल टाइट्रेशन। तो अब हम लोग डबल टाइट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन कब यूज करते हैं? डबल टाइट्रेशन हम लोग जनरली तब यूज करते हैं जब हमारे पास NaOH, Na2CO3 और NaHCO3। कब यूज करेंगे? NaOH, Na2CO3 और NaHCO3। ये तीनों में से कोई दो, ये तीनों तीनों में से कोई दो सॉल्यूशन जब आपस में मिक्स रहे, मतलब मिक्सचर के रूप में जब प्रेजेंट हो, दो तीनों में से कोई दो आपस में मिक्स होकर के प्रेजेंट हो, तो क्या करना पड़ता है? दोनों का कंसंट्रेशन पता करने के लिए हमें दो बार टाइट्रेशन कराना पड़ता है और इसी को हम लोग बोलते हैं डबल टाइट्रेशन। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है डबल टाइट्रेशन का कि क्या कराते हैं? जैसे मान लो ये तीनों में से कोई दो सोल्यूशन है, सपोज करो कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें NaOH भरा हुआ है और साथ में Na2CO3 भरा हुआ है। तो हम लोगों को क्या कर, अब एक ही सोल्यूशन में दोनों मिक्स है और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का कंसंट्रेशन बताइए, मतलब दोनों का इक्विवेलेंट बताइए कि इसमें NaOH का कितना इक्विवेलेंट है और Na2CO3 का कितना इक्विवेलेंट है। देखो इसमें से तीनों का तीनों जो है वो बेस है, ऑल आर बेसेस, ऑल आर बेस। ठीक है, तो बेस है, तीनों का तीनों बेस है यहां पे। तो अब यहां पे ये तो मिक्सचर में प्रेजेंट है, NaOH भी है और Na2CO3 भी है। तो जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, टाइट्रेशन कराएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो NaOH से रिएक्शन कर रहा था कि Na2CO3 से? दोनों तो बेस है तो दोनों इक्विवेलेंट यूज करेगा HCl का। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना ये यूज कर रहा है, कितना ये यूज कर रहा है? तो उसको पता करने के लिए हम लोग एक टाइट्रेशन का हेल्प लेते हैं जिसका नाम है डबल टाइट्रेशन। तो देखो इसमें करते क्या है, इसका प्रिंसिपल समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर डालते हैं। क्या डालेंगे? फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर, है ना, ऐसे शॉर्ट में HPH लिखते हैं फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर को। बताओ फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर को जब बेस में डालेंगे, सोल्यूशन हमारा बेसिक था अभी, है ना, जब बेस में फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर डालेंगे तो कलर कैसा होगा? कैसा होता है कलर? फिनोल्फथेलिन जब बेस में मिलता है तो पिंक कलर का हो जाएगा, तो ये सोल्यूशन हमारा पिंक कलर का दिखेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा पिंक कलर का दिखेगा। अब क्या करेंगे, इसमें एसिड से टाइट्रेशन कराएंगे। सपोज यहाँ पे हमने एक ब्यूरेट लिया और ब्यूरेट में क्या भर लिया? HCl भर लिया, एसिड भर लिया HCl। अब HCl से इसको टाइट्रेट कराएंगे, तो जब टाइट्रेशन होगा HCl से, तो देखो HCl जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये बना लेगा NaCl प्लस H2O, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन वही जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा, HCl Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो पहले ये बनाएगा NaHCO3 प्लस H2O। समझ रही बात? पहले ये बनाएगा NaHCO3 प्लस NaCl प्लस H2O। ठीक है, यहां पे समझ रही बात ना? तो ये बनाएगा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसको, देखो बेसिकली इधर और भी प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 भी निकलेगा क्योंकि कार्बोनेट है ना, दिस इज कार्बोनेट। कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो हमें CO2 गैस भी निकलता है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस ये देखना है कि ये जो बनता है पहले वो एक इक्विवेलेंट, देखो यहां पे ध्यान देना है कि Na2 है तो इसका दोनों इक्विवेलेंट जो है वो H से रिप्लेस होगा, है ना, दोनों जो N का एटम्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय H, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करना है। फाइनली जब फिर इसमें HCl डालोगे, तो ये बन जाएगा H2CO3। सुनना की बात? तो क्या होता है कि यहां तक जब यूज हुआ है अभी भी सॉल्यूशन बेसिक ही है, NaHCO3 को बेस लिखा है ना, देख रहे हो NaHCO3 को हमने बेस लिखा है। तो Na2CO3 पहला इक्विवेलेंट HCl का यूज करेगा तो बनेगा NaHCO3, फिर एक इक्विवेलेंट और यूज करेगा तब बन जाएगा H2CO3। मतलब Na2CO3 को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना इक्विवेलेंट HCl लग गया? दो इक्विवेलेंट लग गया कि नहीं लग गया बताओ? अगर एक इक्विवेलेंट Na2CO3 है उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए
HCl का कितना इक्विवेलेंट लगेगा? दो इक्विवेलेंट, क्योंकि पहला इक्विवेलेंट से इसमें कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा इक्विवेलेंट लेगा तो इसमें कन्वर्ट होगा। अब ये बेसिक नहीं रहा, समझना की बात। तो देखो NaHCO3 जो होता है ये वीक बेस है, ये दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही वीक बेस है ना, तो ये जो है वो एक वीक बेस है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे HCl डालेंगे तो NaOH तो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन Na2CO3 पहले NaHCO3 में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही NaHCO3 में कन्वर्ट होता है वो इतना वीक होता है कि HPH फिनोल फ्थेलीन इंडिकेटर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है, उसको लगता है क्या कि पूरा का पूरा बेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। जब NaHCO3 परा हुआ रहता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में अभी NaHCO3 परा हुआ है, दूसरा इक्विवेलेंट नहीं यूज किया है, दूसरा इक्विवेलेंट यूज नहीं किया है, मतलब ये आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ है, कौन Na2CO3, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही HCl गिराएंगे तो पहले NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर NaOH न्यूट्रलाइजेशन के बाद Na2CO3 जब न्यूट्रलाइज होते रहेगा, जब वो आधा ही न्यूट्रलाइज होगा NaCO3 में ही कन्वर्ट होगा, तो ये HPH जो है वो कलर चेंज कर देता है, मतलब कैसा हो जाएगा, पिंक से कलरलेस हो जाएगा। क्यों? अभी भी NaCO3 परा हुआ था लेकिन फिर भी कलर चेंज क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि HPH फिनोल फ्थेलीन इंडिकेटर जो है इस वीक बेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि ये न्यूट्रल हो चुका है, समझ में आ रही बात, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है, जबकि ये न्यूट्रल नहीं हुआ था, ये NaCO3 बचा हुआ ही था, तो यहाँ पे क्या होता है कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज हो गया मतलब पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। देखो पहला एंड पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं पहला एंड पॉइंट, कलर यहाँ पे चेंज कर दिया फिनोल फ्थेलीन इंडिकेटर, पिंक से कलरलेस हो गया है। तो बताओ अगर ये दोनों सॉल्यूशन था, NaOH था और Na2CO3 था, तो पहला एंड पॉइंट पे, फर्स्ट एंड पॉइंट जिसको हम लोग फिनोल फ्थेलीन एंड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, तो फर्स्ट एंड पॉइंट इसको हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट एंड पॉइंट या फर्स्ट इक्वालेंस पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट पे हमारे पास क्या क्या रिएक्ट किया है, NaOH का पूरा इक्वालेंट रिएक्ट कर गया, हो गया है ना, इक्वालेंट ऑफ NaOH रिएक्टेड कंप्लीटली, प्लस Na2CO3 कितना रिएक्ट किया होगा, पूरा या आधा, आधा ही किया है क्योंकि NaCO3 में ही कलर चेंज हो गया था, वो पूरा रिएक्ट करने ही नहीं दिया, पहले ही कलर चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि NaCO3 बहुत ही वीक है, जिसको फिनोल्फ्थेलीन इंडिकेटर को लगता है क्या कि वो वीक नहीं है, वो न्यूट्रल हो चुका है। तो आधा जो है हाफ इक्वालेंट ऑफ, हाफ इक्वालेंट ऑफ Na2CO3 ये हमारा रिएक्ट करेगा, कब? फर्स्ट एंड पॉइंट पे, फर्स्ट एंड पॉइंट पे इक्वालेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इक्वालेंट ऑफ Na2CO3 ये किसके बराबर होगा, किससे रिएक्ट किया है, एसिड से रिएक्ट किया है, तो इक्वालेंट ऑफ, इक्वालेंट ऑफ HCl के बराबर होगा, इक्वालेंट ऑफ HCl के बराबर होगा फर्स्ट इक्वालेंट पॉइंट पे, समझना की बात। अब क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन था हमारे पास ऑलरेडी जो कलर चेंज कर चुका है, इसी सॉल्यूशन में अब क्या डालेंगे, दूसरा इंडिकेटर डालेंगे जिसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज, NaOH लिखते हैं शॉर्ट में उसको, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। अब मिथाइल ऑरेंज जैसे ही डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज जो है इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, वो बोलता है कि नहीं भाई ये बेस है ना, तो कैसा कलर शो करेगा, मिथाइल ऑरेंज जो है बेस में कैसा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है, तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन दिखेगा आपको। तो इसमें क्या क्या बचा हुआ है, इसमें NaOH तो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, आधा जो है हाफ इक्वालेंट किसका बचा हुआ है, Na2CO3 का बचा हुआ है ना। तो फिर से इसी HCl सॉल्यूशन को, ये जो HCl सॉल्यूशन ये था ना, इसी HCl सॉल्यूशन को फिर से यहां पे क्या करते हैं, फिर से टाइट्रेट कराएंगे, टाइट्रेट कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आधा इक्वालेंट जो बचा हुआ था, क्योंकि आधा यहां पे ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुका था, कैसे यहां से इसमें, है ना, तो जो आधा बचा हुआ था अब दूसरा इंडिकेटर डालेंगे, कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो जब आधा बचा हुआ रहेगा तो ऑरेंज कलर का दिखेगा, सॉरी येलो कलर का दिखेगा क्योंकि बेस था, जैसे जैसे ड्रॉप ऑफ HCl गिरेगा न्यूट्रलाइज होगा तो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही कलर चेंज होगा मतलब ऑरेंज रेड टाइप का, ऑरेंज रेड टाइप का कलर दिखना शुरू होगा, हम लोग स्टॉप कर देंगे नोट को, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। तो सेकेंड इक्वालेंट पॉइंट पे क्या होगा, सेकेंड इक्वालेंस पॉइंट या सेकेंड एंड पॉइंट भी बोल सकते हो, सेकेंड एंड पॉइंट पे
सेकेंड इन पॉइंट को हम लोग फिनोफ्थेलिन इन पॉइंट सॉरी मिथाइल ऑरेंज इन पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मिथाइल ऑरेंज डाल करके चेक करेंगे। तो सेकेंड इन पॉइंट पे क्या होगा, कौन रिएक्ट किया है, केवल आधा Na2CO3 रिएक्ट किया है, तो आधा इक्वालेंट ऑफ Na2CO3 ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इक्वालेंट ऑफ HCl के बराबर होगा, इक्वालेंट ऑफ HCl के बराबर होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे जो इक्वालेंट ऑफ HCl होगा और यहां पे जो इक्वालेंट ऑफ HCl होगा क्या दोनों बराबर होगा, नहीं, दोनों अलग अलग होगा। ये इक्वालेंट ऑफ HCl अगर X है तो ये इक्वालेंट ऑफ HCl Y होगा, मे बी इक्वल हो सकता है, दैट इज कोइंसिडेंस, लेकिन इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहां पे कुछ NaOH भी था, तो ये दोनों अलग अलग ही होगा, X और Y जो होगा वो क्या होगा आपका अलग अलग। ऐसा नहीं कि यहां भी इक्वालेंट ऑफ HCl लिखा हुआ, यहां भी इक्वालेंट ऑफ HCl लिखा हुआ तो दोनों इक्वल हो जाएगा, नहीं। एक कब था, ये फर्स्ट इन पॉइंट था, और ये कब है, ये सेकेंड इन पॉइंट है। आगे बात समझ में, तो ये वैल्यू आपको पता रहेगा, ये वैल्यू क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये वैल्यू तो पता ही है ना, अरे ये तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और इसका ब्यूरेट में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ वो तो हमें पता ही है, एक्सपेरिमेंट करते समय ये दोनों हमें पता है, एक्स और वाई भी हमें, एक्स और वाई हमें पता है, ये दोनों वैल्यू पता है। बताओ इसमें दो वेरिएबल था, इसका इक्वेलेंट और इसका इक्वेलेंट ये निकालना था ना, तो इसका इक्वेलेंट मान लो ए, इसका इक्वेलेंट मान लो बी, तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, क्या हम इसको सोल्व नहीं कर लेंगे, ये हमें पता है, ये दोनों हमें पता है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल है, क्या दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या इसको हम लोग आसानी से नहीं सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल सोल्व कर लेंगे। उसी तरीके से ये तो हमने ये वाला दो सोल्यूशन ले लिया था, उसी तरीके से अगर ये दो सोल्यूशन होता, ये दो सोल्यूशन होता तो बताओ फिनोफ्थेलिन एंड पॉइंट पे, मतलब फर्स्ट एंड पॉइंट पे क्या क्या रिएक्ट करता, आधा ये रिएक्ट करता और ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, और दूसरा एंड पॉइंट पे ये पूरा रिएक्ट करता और ये बाकी आधा बचा हुआ रिएक्ट करता, समझ में आ रही बात। उसी तरीके से अगर ये दोनों आपस में रहता तो फर्स्ट एंड पॉइंट पे ये पूरा रिएक्ट कर जाता और सेकंड एंड पॉइंट पे ये पूरा रिएक्ट कर जाता। आगे बात समझ में, देखो अगर मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें Na2CO3 है और NaHCO3 है, इसको हम लोग टाइट्रेट कराएंगे, है ना, तो टाइट्रेट कराएंगे सबसे पहले फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर डालकर, फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर डाल दिए और यहां पे इसको HCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, है ना, HCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसको टाइट्रेट कराएंगे। तो पहला इंड पॉइंट पे बताओ क्या फिनोफ्थेलिन Na2CO3 को पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा, और आपको ये पता है कि जब Na2CO3 जब रिएक्शन करता है HCl से तो पहले ये NaHCO3 में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरा इक्वालेंट HCl का लेगा तो ये H2CO3 में कन्वर्ट होगा, मतलब आधा ही रिएक्ट किया, मतलब आधा ही रिएक्ट करेगा, NaHCO3 में ही बनेगा, जैसे ही Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट होगा फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है, मतलब पिंक से उसको कलरलेस कर देगा, उसको लगता है कि ये जो है वो न्यूट्रल है, ये बेस नहीं है क्योंकि ये बहुत वीक बेस है, ठीक है। तो फर्स्ट इंड पॉइंट पे बताओ, अगर इसमें हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंड पॉइंट पे, एट फर्स्ट इंड पॉइंट क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, जो इक्वेलेंट HCl यूज होगा क्या ये हमें पता रहेगा, क्योंकि इसका नॉर्मलिटी पता है और वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है वो हमें पता है, तो इक्वेलेंट ऑफ एसिड, इक्वेलेंट ऑफ HCl किसके बराबर होगा, ये रिएक्ट करेगा, बिल्कुल, कितना, पूरा या आधा, आधा, ये रिएक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि इसको तो पहचान ही नहीं पा रहा है, इसको तो लग रहा है कि ये न्यूट्रल है, समझ वाली बात, तो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ इक्वेलेंट ऑफ Na2CO3, ये पहला इन पॉइंट पे आ गया, ये हमें पता है, ये हमें नहीं पता है, मतलब इक्वालिटी ऑफ Na2CO3 हमें नहीं पता है। दूसरा एक एंड पॉइंट पे, एट सेकेंड एंड पॉइंट, जिसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट भी बोलते हैं, सेकेंड एंड पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारे पास, आधा जो ये बचा हुआ था वो रिएक्ट करेगा और ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, तो यहां पे जो फिर दोबारा इसमें मिथाइल ऑरेंज डाल करके फिर वही सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दूसरा बार जो इक्वेलेंट ऑफ HCl यूज होगा, इक्वेलेंट ऑफ HCl यूज होगा वो किसके बराबर होगा, आधा ये जो बचा हुआ था और ये पूरा बचा हुआ है ना, तो हाफ ऑफ
हाफ ऑफ इक्वालेंट ऑफ Na2CO3 प्लस इक्वालेंट ऑफ NaHCO3 सेकेंड एंड पॉइंट पे आ जाए। अब देखो क्या ये इक्वालेंट ऑफ HCl फर्स्ट एंड पॉइंट में हमें पता रहेगा, बिल्कुल नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से, तो ये हमें पता है, ये हमें नोन है, ये वाला भी हमें नोन है। अब देखो दोनों वैल्यू अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा, अगर ये x इक्वालेंट होगा तो ये y इक्वालेंट होगा, और ये दोनों हमें पता रहेगा, x एंड y आर नोन। इक्वालेंट ऑफ Na2CO3 मान लो a है, इक्वालेंट ऑफ NaHCO3 मान लो b है, तो दो ही वेरिएबल बचा ना, ये दोनों तो हमें पता ही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमें पता है, ठीक है, तो ये हमें पता है, ये मान लिए a और ये मान लिए b, तो क्या दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल, तो हमें दोनों का इक्वालेंट पता चल गया, और दोनों का इक्वेलेंट पता है, वॉल्यूम पता है, तो नॉर्मलिटी भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डबल टाइट्रेशन का यूज करते हैं, कब, जब NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 में से कोई दो सॉल्यूशन आपस में प्रेजेंट होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, दो बार टाइट्रेशन करना पड़ता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डबल टाइट्रेशन। पहला हम लोग फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर डाल के यूज करते हैं, फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर जो है NaHCO3 जो कि वीक बेस है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, और ये सॉल्यूशन में पड़ा हुआ ही रहता है, न्यूट्रलाइज नहीं होता है, फिर भी क्या होता है वो कलर चेंज शो कर देता है, कौन, फिनोफ्थेलिन, कैसा कलर, पिंक से कलरलेस हो जाता है। फिर क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद फिर से इसी सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते हैं, तो जो बचा हुआ एसिड, जो बचा हुआ जो बेस बच गया है इक्विवेलेंट का, वो न्यूट्रलाइज होता है, किसके प्रेजेंस में, मिथाइल ऑरेंज वाले इंडिकेटर के प्रेजेंस में, तो वो पूरा न्यूट्रलाइज को इंडिकेट करता है, तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास डबल टाइट्रेशन। नाउ इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, 25 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH एंड Na2CO3 containing NaOH and Na2CO3 requires 30 ml of 0.1 m HCl. 25 ml solution containing NaOH and Na2CO3 requires 30 ml of 0.1 NaHCl for phenolphthalein endpoint. The same 25 ml solution of NaOH and Na2CO3 requires 20 ml of 0.1 NaHCl for methyl orange endpoint. आपसे पूछा जा रहा है कि find equivalent of NaOH and Na2CO3 in the solution, ठीक है। देख क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है, 25 ml है।
अब 2500 में क्या है, कुछ हमारे पास NaOH है और कुछ Na2CO3 है, दोनों है एक साथ प्रेजेंट। तो जब इसको टाइट्रेट करा रहे हैं कब, फिनोफ्थेलिन डाल करके, तो फिनोफ्थेलिन वाला एंड पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड कितना यूज हो रहा है, 0.1 N का 30 ml यूज हो रहा है। तो 30 ml यूज हो रहा होगा तो बताओ इसमें क्या क्या रिएक्शन कर जा रहा होगा, NaOH पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जा रहा होगा, और ये कितना न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, आधा ही न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, क्योंकि NaHCO3 फिनोफ्थेलिन को पहचान नहीं पाता है। फिनोफ्थेलिन इसको NaHCO3 में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो उसको लगता है कि वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, जबकि वो आधा ही न्यूट्रलाइज होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिथाइल ऑरेंज डाले हैं, और मिथाइल ऑरेंज डाल करके फिर से उसको क्या करा रहे हैं, टाइट्रेट करा रहे हैं उसी सॉल्यूशन के साथ, उसी HCl सॉल्यूशन के साथ। तो कितना ml यूज हो रहा है, 20 ml उसका यूज हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए Na2CO3 और NaOH का कितना मिली इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। तो देखो आपको क्या करना है, सीधा सॉल्यूशन, पहला एंड पॉइंट इसको फिनोफ्थेलिन एंड पॉइंट बोलते हैं, तो फिनोफ्थेलिन एंड पॉइंट पे कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा होगा NaOH का, पूरा कितना इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट कर रहा होगा, आधा। तो मान लेते हैं कि लेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये मान लेते हैं A है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 ये मान लेते हैं B। NaOH का मिली इक्विवेलेंट A है, Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट B है। अब देखो पहला एंड पॉइंट पे, एट फर्स्ट एंड पॉइंट जिसको हम लोग फिनोफ्थेलिन एंड पॉइंट बोलते हैं, एट फर्स्ट एंड पॉइंट HCl का इक्विवेलेंट कितना यूज हो रहा है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम तो कितना यूज हो रहा है, 0.1 × 30। बताओ पहला एंड पॉइंट पे क्या क्या न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, क्या NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हो जा रहा होगा, बिल्कुल, मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH पूरा हो जा रहा होगा, और Na2CO3 कितना हो रहा होगा, आधा ही हो रहा होगा, तो बी बाय। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से सेकेंड एंड पॉइंट पे आ जाओ, एट सेकेंड एंड पॉइंट जिसको मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट बोलते हैं, एट सेकेंड एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो रहा है, 20 × 0.1। इसमें कौन न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, जो आधा ये बच गया, इसका टोटल कितना था, B/2 रिएक्ट कर चुका ऑलरेडी, बाकी B/ ये हो गया। क्या यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व कर लोगे, बिल्कुल। यहां से जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहां से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी का वैल्यू हो गया 4। यहाँ पे बी का वैल्यू 4 यूज कर दो, 4 यूज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 = A + 4/2 दैट इज 2। तो A = कितना हो गया, A = हो गया 1। समझा की बात। तो A का मतलब NaOH कितना मिली इक्विवेलेंट था, 1, और Na2CO3 मतलब B, A का वैल्यू आ गया 1 और B का वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर हो गया कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो गया 1, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना हो गया 2। यही तो पूछा गया क्वेश्चन में, समझा की बात। तो आपको बस ये देखना है कि पहला एंड पॉइंट पे किसका इक्विवेलेंट कितना रिएक्ट करेगा और दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट पे किसका इक्विवेलेंट कितना रिएक्ट करेगा, और ये जो है आपको डाटा वो मिल जाएगा HCl का क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये हमारा डबल टाइट्रेशन से रिलेटेड इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा और उसको इतना आसानी से ऐसे सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एन फैक्टर और कंसेंट्रेशन टर्म्स और टाइट्रेशन सारे पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए है। तो ये चैप्टर आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसके DPQ दे रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसको आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके।